इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है, ऑलरेडी हम इस तरह की प्रॉब्लम कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद 26, ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है 26। ये ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल की साइड है 10 सेंटीमीटर, राइट। तीन चार्ज दिए। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन तीनों चार्ज पार्टिकल को इस तरह के फॉर्मेशन में असेंबल करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब इनफाइनाइट पर है और वहां से लेकर आप यहाँ लाए हो उनको और असेंबल किया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इनफाइनाइट से चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हो तो वर्क डन इन असेंबलिंग इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट सेपरेशन पर अगर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया जाए, ठीक है, तो वहां 0 है, दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वो चेंज के बराबर होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज के बराबर होगा। दैट मीन्स इन दैट केस वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया है वो ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो क्या आप ये 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? जितने पेयर बनते हैं सभी की एनर्जी निकालो और ऐड करो। तो यहां पर 3 पेयर बन रहे हैं, इन तीनों पेयर की एनर्जी निकालो सी Q1 Q2 बाय आर और ऐड कर दो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो आसान है ये। तो 26 के बाद 27 हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। 28 हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से ये भी। 29 डाउट है कौन सा, 28 या 29? चलो 29 देखते हैं। 2 पार्टिकल हैं हैविंग इक्वल मासेस 5 ग्राम और चार्ज भी दिया उन पे। ठीक है, मास 5 ग्राम ईच और सेपरेशन उनके बीच का 1 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ समय के बाद जब सेपरेशन इनकी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी तब इन दोनों की स्पीड बतानी है क्या होगी। देखो बहुत आसान है, ये जो सिस्टम है इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। दोनों का मास सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। तो पहले हमने प्रिंसिपल लगाया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो एनर्जी भी कंजर्व होगी, सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर, चार्ज सेम है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट लोगे तो माइनस Q² हो जाएगा, राइट। So initial potential energy plus kinetic energy 0 is equal to final potential energy plus kinetic energy. सेपरेशन दिया है, चार्ज दिया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो और उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो दोनों की। ठीक है, 29 के बाद 30 हो जाएगा। डायपोल HCl मॉलिक्यूल जो है वो एक डायपोल के इक्विवेलेंट है। जब भी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पर टॉर्क लगेगा PE साइन थीटा, तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? P इंटू E जब थीटा 90 डिग्री हो, राइट। 30 के बाद 31 हो गया, हाँ 31 बताता हूं मैं। देखो दो चार्ज दिए ए और बी, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। चार्ज हमको दिया है एक प्लस और एक नेगेटिव, ठीक है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, चार्ज इंटू सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 1 सेंटीमीटर अवे, मतलब यहां पर। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मत यूज करना डायपोल का, क्योंकि वो जो हमने बनाया था वो किसके लिए? जब सेपरेशन से बहुत दूर पॉइंट, मतलब R इज फार ग्रेटर देन D, तभी आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये पास में है, तो सीधे सी बात है, इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड निकालो, यहाँ पे पॉजिटिव का फील्ड निकालो, ठीक है, और दोनों का वेक्टर सम कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 1 मीटर अवे फील्ड निकालना है, तो 1 मीटर फ्रॉम सेंटर, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और ये है 1 मीटर, तो लार्ज डिस्टेंस है। तो अब आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो R मीटर सेपरेशन और कितने एंगल पर है? थीटा है 90 डिग्री, राइट। तो हमने डिराइव किया है फील्ड, वही कर लो। तो R अगर कम होता है तो आप तो सीधा चार्ज के कारण फील्ड निकाला और उसका वेक्टर सम करना है। 32 हो जाएगा, हो गया ना। कल मैंने बताया था इस तरह से क्या करना है, माइनस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है, यहाँ प्लस 2 क्यू है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, प्लस क्यू तो एक ही डायपोल हो गया और एक ही डायपोल मोमेंट का वेक्टर इस तरफ होगा और इसका इस तरफ, दोनों वेक्टर को ऐड करना है आपको, आसान है। देन 33 हुआ क्या? 33 हो गया, ठीक है। देन 34 भी हो गया, ठीक है। 35 देखो, 35 देखते हैं, 'Assume that each atom in a copper wire contributes 1 free electron' ठीक है, कॉपर वायर का हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। 'Estimate the number of free electrons in a copper wire having mass 6.4 ग्राम' एटॉमिक वेट दिया है, ठीक है। कॉपर वायर का मास दिया है, 6.4 ग्राम। तो इस 6.4 ग्राम कॉपर वायर में कितने कॉपर के एटम से क्या हो आप निकाल सकते हो, उसका एटॉमिक वेट भी दिया है 64 ग्राम पर मोल। एक मोल मतलब 64 ग्राम, 6.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल होगा। तो 0.1 मोल का मतलब हुआ 6.023 into 10^22 एटम्स, इतने एटम्स, ठीक है। और इसमें दिया है कि हर कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो इतने एटम्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब गॉस लॉ की फर्स्ट शीट जो है डीपीएस नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट शीट निकाल लो। एक एक करके मैं बोलता हूं, जो भी डाउट्स हो वो पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। टू देखते हैं। सर्कुलर रिंग है, रेडियस r, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। 180 डिग्री से रोटेट करने पर कितना फ्लक्स चेंज होगा। देखो रिंग की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है शुरुआत, बाद में इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, राइट। तो मान लो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। जब आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे उसका फेज जो है वो बदल जाएगा। अब आपने एरिया वेक्टर इधर माना था तो वो अपोजिट हो जाएगा, फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, और फाइनल फ्लक्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस ई हो जाएगा, राइट। तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, ट्वाइस ई ए। पूछा है फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा। देखो माइनस का ये मतलब मत निकालना कि कम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज फ्लक्स सेम है, बस ओरिएंटेशन बदल गई। तो एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग हम देखें तो फ्लक्स का साइन नेगेटिव हो जाएगा बाद में, लेकिन जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। देन इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है। स्फेरिकल शेल है जो कि प्लास्टिक से बनी है और चार्ज क्यू का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो ये हॉलो स्फीयर की तरह होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ये हम जानते हैं, ठीक। अब इसको हमने हैमर किया सो दैट इसका शेप बदल गया, राइट। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें बताना है कि क्या होगा। उसको हैमर कर दिया तो इस तरह से शेप इसका चेंज हो गया। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड नॉट बी जीरो नाउ, ठीक है। अब ये जीरो नहीं होगा, जीरो किस कंडीशन में होगा, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये स्फीयर है। बट इसी की जगह अगर ये कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्ज है वो मूवेबल है और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है सो दैट अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो कंडक्टर में जीरो होता बट ये नॉन कंडक्टर है तो नहीं होगा। और क्या आगे 5 हो गया, 5, 6, 6। एक रबर बैलून है जिस पर चार्ज दिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बैलून का शेप स्फेरिकल नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा या नहीं? देखो, सबसे पहली बात, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर फील्ड जीरो नहीं हो, राइट? क्योंकि हम जानते हैं फील्ड अंदर जीरो कंडक्टर के लिए होता है, उसमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है जिससे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाए। ठीक है, बट ये कंडक्टर नहीं है इसलिए जीरो नहीं होगा, और कंडक्टर में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता वैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता तो यहाँ भी जीरो हो सकता था, बट यूनिफॉर्म दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ठीक है, 6 के बाद 7 भी देख लेते हैं। कंडक्टर को अगर कुछ भी चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर आ जाता है, राइट? तो शुड ऑल द प्रोटॉन्स कम टू द सरफेस या शुड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कम टू द सरफेस और शुड ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम टू द सरफेस? देखो, सीधी सी बात है, कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर होता है। अगर आपने उसको नेगेटिव चार्ज दिया तो जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। एक्सेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको टोटल चार्ज देते हो -5e, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि 5 फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पर रहेंगे, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पर रहेंगे। ठीक है, और बाकी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहेंगे, और अगर टोटल चार्ज निकाला जाए तो इसपे -5e होगा, मतलब सरफेस पर ही इम्बैलेंस है, बाकी अंदर सब बैलेंस है। यही अगर हम इसको 5e चार्ज देते तो इस केस में सरफेस के एटम्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में 5 एटम हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर इम्बैलेंस है, मतलब वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैच नहीं कर रहे हैं, वहां पे प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, मतलब सभी में बैलेंस मिलता, 5 जगह इम्बैलेंस है, तो जहां भी इम्बैलेंस है वहां पॉजिटिव चार्ज होता। तो कहने का मतलब सारे प्रोटॉन्स बाहर नहीं आ गए, प्रोटॉन्स तो बाहर आ ही नहीं सकते, सिर्फ जो एटम है जो बाहर एक्सपोज्ड है सरफेस पर, उस एटम पर बैलेंस नहीं बन रहा है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो वो 5 एटम बाहर होंगे, बाकी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर, और अंदर बैलेंस हो। ठीक है, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ जाते हैं, सीधी सी बात, राइट?